आरोपी साहिल का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा क्लिप सामने आ रहा है। वारदात के बाद रिठाला गया था साहिल। रिठाला में साहिल ने चाकू भी छिपाया था। पूछताछ ये हो चुकी है और इसमें बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। रिठाला में चाकू छिपाने के बाद बुलंदशहर को भागा था, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को चकमा देने के लिए दो बसें उसने बदली। बुलंदशहर में जिन लोगों ने मदद की उनसे भी पूछताछ। इस पूरे मामले में लगातार अपडेट सामने आ रही, इन सबके बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। साक्षी हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी साहिल की आज कोर्ट में पेशी होगी और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। रोहिणी कोर्ट में साहिल की पेशी होगी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीती रात बवारा थाने में साहिल से पूछताछ हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर और पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए। सबसे बड़ा खुलासा तो उसका यही रहा कि वो हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रिठाला गया था और उसके बाद बुलंदशहर भागा। और दूसरी तस्वीर देखिए, कलावा वाला जो छलावा है उसको लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। लव जिहाद के एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन कलावे को लेकर भी और पुलिस के साथ खिंचवाई गई इस तस्वीर को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच इस पूरी साजिश को किसने अंजाम दिया, क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड भी है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।